सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यहाँ है हमारे पास आइकॉनिक और एक बहुत ही लेजेंडरी बाइक हीरो की तरफ से, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है, करिश्मा XMR। और इस बाइक का हम करने वाले हैं एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू और सारी चीज़ों के बारे में बात, और सारे फीचर्स के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसे यूनिक एंड अपडेटेड वीडियो आपके लिए हम लेके आते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका लुक दिखा देता हूँ आपको, जो कि काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एंड काफ़ी हेल्दी आ रहा है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है बाइक, आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। बट अभी हम बात कर लेते हैं फ्रंट के लुक पर। तो इसका जो फ्रंट का लुक है कुछ इस तरीके का आता है, इसकी डिज़ाइनिंग जो है कुछ इस तरीके की आती है, काफ़ी देखने में यूनिक एंड काफ़ी बढ़िया लगती है। यहाँ आपको एक विंडशील्ड वाइजर देखने को मिल जाता है, जो कि एडजस्टेबल होगा, एडजस्टेबल इन द सेंस कि इस जगह एक बटन दिया हुआ है, इस बटन को आप पुश करेंगे देन इसको आप ऊपर ऊपर की तरफ खींच के इसको और ज़्यादा कर सकते हैं। ये वैसे तो कोई लगा नहीं मेरे को कि ये काम आएगा, बट हाँ कुछ कुछ जगह पे काम आएगा, जैसे सपोज़ कि आगे से ऊपर की तरफ निकल जाएंगे तो ये यहाँ पर काम आ सकता है। अभी हम बात करें थोड़े से फ्रंट के और लुक की, तो यहाँ सबसे पहले मैं लाइट दिखाता हूँ। यहाँ आपको DRLs के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप एंड रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलते हैं, मतलब कि आपको जो फ्रंट की लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड फेसी एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। स्पेशल फीचर आता है जो कि है, जैसे कि सपोज़ आप दिन में इस गाड़ी को चला रहे हैं तो दिन में चलाते समय ये सामने वाले पे कम रिफ्लेक्ट मारेगी ऑटोमेटिकली, थोड़े स्मार्ट फीचर के साथ है। और अगर वहीं रात को आप अगर इस बाइक को चलाएंगे तो वहीं रात को ये थोड़ा सा ज़्यादा रिफ्लेक्शन इसका हो जाएगा। तो ये जो है ये एक स्मार्ट फीचर है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ आपको टर्न इंडिकेटर्स जो मिलते हैं वो LED लाइट के साथ देखने मिलते हैं, टर्न इंडिकेटर्स देखेंगे। और यहाँ नीचे चलते हैं, नीचे की तरफ आपको नीचे का लुक दिखाते हैं, नीचे का डिज़ाइन दिखाते हैं, कुछ इस तरीके का है, जिसमें आपको यहाँ पर फाइबर बॉडी के साथ मडगार देखने को मिलता है। हालांकि इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे पर्सनली। और अगर हम वहीं बात करें इसके रियर फ्रंट टायर की, तो यहाँ पर आपको फ्रंट टायर जो देखने मिलेगा वो 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ दिखेगा। और टायर का साइज़ की बात करें तो यहाँ आपको 100x80 MRF का जैपर टायर देखने को मिलता है। यहाँ आपको डिस्क साइज़ काफ़ी ह्यूज एंड काफ़ी बढ़िया बड़ा सा देखने के लिए मिलता है, जो आपको 300mm साइज़ के साथ ABS के साथ ही देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ आपको मोस्ट ऑफ दी गाड़ियों में आपको स्पोर्टी जो भी बाइकें होती हैं उन पर आपको बाइबरी के ही डिस्क मिलते हैं, तो इसके अंदर भी आपको अराउंड सेम वही देखने के लिए मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा साइड लुक की तरफ। तो यहाँ साइड प्रोफाइलिंग की अगर हम बात करें तो साइड का प्रोफाइल जो है वो कुछ इस तरीके का आता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है देखने में, काफ़ी अच्छा है साइड का प्रोफाइल देखने में, काफ़ी अच्छा है। और अभी हम बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो यहाँ आपको फ्यूल टैंक जो है वो 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, और जिसके अंदर आपको 2 से 2.5 लीटर का अराउंड रिजर्व ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो इसमें इंजन जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांस और काफ़ी फीचर पैक देखने को मिलता है, जो कि है 210cc सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो जनरेट करता है 25.5 PS की पावर एंड 20.4 Nm पीक टॉर्क। मतलब कि पावर जो है, PS की पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर अदर बाइक। अगर इसके कॉम्पिटिशन की बात करें तो इसका सबसे बड़ा राइवल, सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन जो बनता है वो यामाहा की तरफ से आने वाला R15 बनता है, वहाँ आपको PS पावर कम मिलती है, हालांकि CC कम है, बट स्टिल आपको उसी प्राइस रेंज में ये एक अच्छी गाड़ी और काफ़ी अच्छी पावर परफॉर्मेंस और इंजन के साथ देखने मिलती है, तो मैं तो इसको सजेस्ट करना ही चाहूँगा। 6 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ ये देखने को मिलती है, आपको इसके अंदर 6 स्पीड गेयरबॉक्स देखने मिलेगा। और आपको थोड़ा सा और फ्रंट से दिखा देते हैं, तो यहाँ से देखेंगे इस तरीके का ऊबर से व्यू आता है, यहाँ पर आपको फुटेज वगैरह देखने मिल जाते हैं। और वहीं अगर मैं फेयरिंग दिखाऊं तो फेयरिंग जो है वो कुछ इस तरीके की आती है, ह्यूज है, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी अच्छी है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये। और अभी हम चलते हैं थोड़ा सा रेयर लुक की तरफ, तो यहाँ रेयर लुक की अगर हम बात करें तो यहाँ टेल लाइट आपको जो मिलेगी वो फुल्ली LED सेटअप के साथ मिलेगी। थोड़ा सा जला देते हैं इसे, तो यहाँ आपको जो टेल सेक्शन है वो कुछ इस तरीके देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ आपको फुली LED सेटअप के साथ लाइट जो है वो देखने मिलेगी। काफ़ी हद तक स्पोर्टी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मुझे थोड़ी सी अपडेटेड एंड काफ़ी अच्छी लगी इसकी जो टेल लाइट है वो। बाकी यहाँ देखेंगे ये जो आ जाता है कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आ जाता है। बाकी रेयर के अगर हम टायरिंग की बात करें, रेयर टायर की, तो रेयर टायर में आपको देखने के लिए मिलेगा
140x70mm का 140x70 17 इंच का एलॉय व्हील के साथ आपको एमआरएफ का जैपर टायर ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ आपको 230mm का डिस्क भी देखने को मिलता है और आपको एबीएस के साथ, मतलब ये डुअल चैनल एबीएस देखने के लिए मिल जाता है। अभी आ जाते हैं इसके एग्जॉस्ट पे। तो यहाँ आपको एग्जॉस्ट जो है वो कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। एग्जॉस्ट थोड़ा सा और ज़्यादा अंदर की तरफ होना चाहिए था, बट स्टिल ये भी बढ़िया है। अभी मैं पहले इसका साउंड सुना देता हूँ आपको। तो अभी हमने न्यूट्रल कर दिया, तो सिंगल टच में ये स्टार्ट हो जाती है। सिंगल टच के स्टार्ट होने के बाद अभी हम इसका साउंड सुना देते हैं। तो इसका जो साउंड है वो कुछ इस तरीके का है। साउंड मुझे काफी अच्छा लगा, काफी बढ़िया लगा। अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर की तरफ चलते हुए अगर हम बात करें इसके पीछे के ग्रैब हैंडल की, तो वो ग्रैब हैंडल कुछ इस तरीके का आता है। स्प्लिट ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा है और जो इसकी ग्रिपिंग को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। एज कम्पेयर अगर हम कंपेयर करें दूसरी गाड़ी से, इसके सबसे बड़े राइवल R15 से, तो उसके अंदर यहाँ प्लास्टिक के ही काउल टाइप के आते हैं, तो वो वहाँ दिक्कत कर जाते हैं। बट इसके अंदर ये प्लस पॉइंट लगा मुझे कि इसके अंदर ग्रैब हैंडल जो है काफ़ी अच्छा आ गया है। अभी हम सीट की बात करें तो यहाँ आपको स्प्लिट सीट ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ देखेंगे, ये है मेन राइडर के लिए सीट, यहाँ पिलियन राइडर के लिए सीट। पिलियन राइडर की सीट थोड़ी ऊँची है और थोड़ी सी पतली है, इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर देते तो ज़्यादा बेटर रहता। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। तो आगे की तरफ चलते हुए अगर मैं बताऊं तो कुछ इस तरीके का ऊपर से इसका व्यू आता है। यहाँ पर देखेंगे ये, यहाँ फ्यूल टैंक जो है वो खाली मेटल है, बाकी पूरी बॉडी फाइबर की यूज़ की गई है। पूरी बॉडी, हालांकि स्पोर्टी बाइक में तो फाइबर ही होता है, बट स्टिल पूरी जगह, हर जगह फाइबर है। बाकी यहाँ पर आपको एक पेज देखने मिलेगा जहाँ से आप इसे रिमूव करेंगे, अंदर आपको वायरिंग देखने के लिए मिलती है। फिर उसके बाद आप सीट को हटाने के बाद इसको ईजिली सर्विसेबल भी होगा, ये यहीं से ओपन हो जाएगा, यहीं से इसकी सर्विस हो जाएगी। एक बार मैं सीट को ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये ओपन हो गया है, यहीं ये चाबी का ऑप्शन दिया हुआ है जिससे आप यहीं से इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ अपने पेपर्स वगैरह रख सकते हैं। और ये जो सीट है कुछ इस तरीके की आती है देखने में, तो अभी इसे हम लगा देते हैं। तो अभी हमने इसको लगा दिया तो ये इस तरीके से फिल्ड हो गई। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। तो आगे की तरफ अब मैं बात कर लेता हूँ इसके हैंडल की। तो यहाँ आपको ग्रैब हैंडल जो मिलेगा वो देखने के मिलता है, क्लिप वार हैंडल देखने के मिलेगा, क्लिप वाला हैंडल, जो कि काफ़ी अच्छा है और थोड़ा सा वाइड है एज़ कम्पेयर दूसरी बाइकों से। इसका थोड़ा सा मुझे वाइड हैंडल लगा है इसका, तो ठीक ही है, वो कंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि इस जगह पे ये इसको और ज़्यादा कंफर्टेबली आप फील कर सकते हैं चलाते समय। बाकी यहाँ पर आपको स्लिप क्लच देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर आपको हाई पासिंग लाइट और यहाँ बटन्स देखने के मिल जाते हैं जो इसके डिजिटल मीटर के अंदर और जो मोड्स वगैरह हैं उनको अपडेट करने के लिए ठीक ठाक रहते हैं। यहाँ आपको टर्न इंडिकेटर ऑप्शन देखने मिलेगा, नीचे की तरफ हॉर्न देखने मिलेगा। हॉर्न चला के दिखा देते हैं। हॉर्न जो है वो लिटिल बिट ठीक ठाक ही है, बढ़िया है। और अभी हम दिखाते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ आपको एक डाटा केबल लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, USB पोर्ट, जिसके अंदर आप डाटा केबल लगा के अपना इजीली फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। अभी दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ आपको एजार्ड स्विच, मतलब कि पार्किंग लाइट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ आपको सेल्फ देखने के लिए मिल जाएगा और इसी के अंदर आपको इंजन किल स्विच भी देखने के लिए मिल जाता है। अभी हम बात करें इसके मीटर की। तो इसका जो मीटर है वो फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको काफ़ी अपडेटेड फीचर्स वगैरह देखने मिलेंगे, जैसे यहाँ न्यूट्रल, यहाँ साइड स्टैंड ऑप्शन, इंजन लाइट, और यहाँ आपको हीटिंग सेंसर देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ टाइम, ओडोमीटर देखने को मिलेगा, स्पीड देखने के लिए मिल जाती है और एवरेज रेंज भी देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ ट्रिप ए वगैरह देखने को मिलेगा, ट्रिप बी भी, एफ बी भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको फ्यूल ऑप्शन देखने मिलेगा। ऊपर की तरफ गियर इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ आपको टर्न इंडिकेटर ऑप्शन और आपको हाई बीम और यहाँ। बाकी मैं बात करूं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 160mm आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है और छोटे मोटे खड्डों में आपको ज़्यादा से फील नहीं होगा, ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। बट जहां पर आपके थोड़े से ज़्यादा बड़े खड्डे आ जाएंगे वहां आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें सीट हाइट की, तो यहाँ आपको 810mm सीट हाइट देखने को मिल जाती है और आपको व्हील बेस जो है वो 1310mm देखने के लिए मिल जाता है। व्हील बेस काफ़ी ज़्यादा है इसलिए इसके रोटेशन में आपको थोड़ा सा माइनर सा हिचक आ सकती है रोटेट करने में, बट स्टिल ये बेटर है इसलिए ठीक है। इसके अंदर आपको अराउंड 3 कलर कंपनी ने लॉन्च किए गए हैं, जिसमें आपको
सबसे पहला ये रेड देखने के लिए मिल जाता है, फिर आइकॉनिक वाला येलो कलर देखने मिल जाता है। हालांकि दिमाग में जैसे ही करिश्मा आती है आपको येलो ही दिमाग में आता होगा कि करिश्मा यानी येलो, तो येलो कलर हाँ लॉन्च किया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा जाके चैनल पर देखिए, आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। और वहीं तीसरा कलर की जो बात करें, तीसरा कलर जो है वो तीसरा जो कलर ब्लैक कलर लाया गया है, मतलब कि एक ऐसे ये तीन ऐसे कलर हैं जो डेली यूज़ में अच्छे हैं, डेली रूटीन में लाने के लिए अच्छे हैं और डेली रूटीन में ही ये कलर लाए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे काफ़ी बेस्ट लगा कि हाँ ये वाले कलर इन्होंने दे दिए, काफ़ी अच्छे हैं ये। और अभी हम दिखा देते हैं, इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके के मिलेंगे। और फ्रंट के मैंने सस्पेंशन की बात नहीं की शायद, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे। हालांकि इसके अंदर USD सस्पेंशन डाल देने चाहिए थे, ब्रेकिंग और ज़्यादा सस्पेंशन और ज़्यादा बेटर हो जाते, क्योंकि इसके कंपैरिजन में जितने भी बाइक्स आती हैं आपको उनके अंदर USD सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। आ जाते हैं प्राइसिंग पे, कीमत क्या है, कीमत क्या रखी है हीरो ने इस बाइक की। तो जो कीमत है वो रखी गई है 1,72,900 रुपये एक शोरूम, जो कि काफ़ी अच्छी है इस सेगमेंट के लिए, क्योंकि R15 अगर कंपेयर उठाते हैं तो वो 180+ जाता है एक शोरूम, तो मतलब उससे काफ़ी सस्ती होने वाली है ये बाइक। अगर आप कैलकुलेशन लगाएं तो ऑन रोड आते आते 2,04,000 से लेकर 2,06,000 तक इसका ऑन रोड बन जाएगा इजीली गाज़ियाबाद UP का। और अगर वहीं आप इस बाइक को दिल्ली से लेंगे तो आपको अंडर 2 लाख ये बाइक मिल जाएगी, बढ़ भी सकता है, बुकिंग ओपन हो चुकी हैं। और ये जो वीडियो है ये खास स्पेसिफिक है, आपको बताएं कैसा लगा वीडियो और कमेंट करके हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।